नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ का मामला सामने आया। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश ऋषभ के पैर में गोली लगी। घायल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पुलिस ने एक बाइक और तमंचा बरामद किया है। नोएडा के थाना 24 इलाके का ये मामला। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ का मामला सामने आया। मुठभेड़ में बदमाश ऋषभ के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जहां उसका उपचार चल रहा है। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा और पुलिस ने बाइक और तमंचा बरामद किया। नोएडा के थाना 24 इलाके का ये मामला है। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ का मामला सामने आया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में ये मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ में बदमाश ऋषभ के पैर में लगी गोली। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संजीव जुड़ गए। संजीव, क्या जानकारी मिल रही, किस वक्त ये मुठभेड़ हुई? बिल्कुल, आपको बता दूं, सुबह सुबह जिस तरह से जो है पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तभी जो है एक स्कूटी पर सवार होकर जो दो बदमाश थे वो स्नेचिंग करके भाग रहे थे। तभी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने जैसे ही जो है उनको ट्रेस किया, उनका पीछा किया, तभी जो है ये जो बदमाश थे पुलिस ने फायर किया और उसके बाद जो है बदमाश जो है फायरिंग में जो है पुलिस ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई में फायर किया, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरा बदमाश क्योंकि बगल में ही गाड़ियां थी उसमें जो है उसके अंदर से जो है भागने में सफल रहा। हालांकि पुलिस ने उसको बॉम्बिंग के दौरान दोबारा उसको धर दबोचा और ये जो बदमाश है दिल्ली NCR में तमाम जो है लूट स्नैचिंग और मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे और कई जो है इन्होंने नोएडा में भी घटना को अंजाम दिया था। पुलिस इनकी काफी समय से तलाश कर रही थी लेकिन आज सुबह जैसे ही जो है ये मुठभेड़ हुई और इनको जो है गोली लगने से जो है पुलिस ये घायल हो गए हैं। पुलिस ने इनको जिला अस्पताल में एडमिट कराया उपचार के लिए। संजीव, बिल्कुल, इस जिस तरह से पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है, जिस तरह से इस अपराधी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, इसमें पुलिस की काबिले तारीफ है क्योंकि जिस तरह से कदम उठाया और मुठभेड़ हुई और अपराधी को पकड़ा है। क्योंकि ये अपराधी हैं और नोएडा समेत दिल्ली NCR में ये तमाम जो है इस तरह की स्नैचिंग और तमाम तरह के जो मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे क्योंकि नोएडा में तमाम जो है जो जो IT कंपनियां हैं, तमाम जो कंपनियां हैं उनमें जो वर्कर काम करते थे, राहगीर थे, उससे अक्सर लूट किया करते थे चलते हुए लोगों से और फिर फरार हो जाते थे। हालांकि पुलिस इनकी काफी समय से तलाश कर रही थी लेकिन अचानक आज जो है ये सुबह जिस तरह से घटनाओं का अंजाम देकर भाग रहे थे तभी पुलिस ने जो है चेकिंग के दौरान इनको जो है ट्रेस किया और रुकने का इशारा किया लेकिन इन्होंने तमंचे से पुलिस पर फायर कर दिया और पुलिस ने इनको सेक्टर 54 जो है उस इलाके में घेरा और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और दूसरा जो है पुलिस ने जो फरार हो गया था उसको छानबीन के दौरान गिरफ्तार किया। जी संजीव कुमार, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।